Hi friends, good morning. I am Momita and welcome back to my channel Momita's Good Life. आज है 3 जून और आज है लोकनाथ बाबा का पूजा. इस दिन लोकनाथ बाबा का देहांत हुआ था. बंगाली में ना सब घर में लोकनाथ बाबा का पूजा होता है इस दिन और बहुत सारा भोग लगाया जाता है, फ्रूट्स होता है, बहुत लोग भी आता है, इनवाइट किया जाता है घर पे. मेरे घर में मैं पहली बार कर रही हूँ. मुझे बहुत मन था पूजा करने के लिए और मुझे अच्छा भी लगता है बहुत, तो इसीलिए मैं पहली बार किया. और अभी सुबह का 11 बज गया और मेरा पूजा भी ख़त्म हो गया, क्योंकि 12 बजे से पहले पूजा करना होता है ऐसा बोलता है मेरा सास जो है. तो मेरा पूजा तो ख़त्म हो गया और मैं क्या क्या बनाया, भोग क्या क्या लगाया, मैं वो सब आपको दिखाऊंगी. मैं कोलकाता में नहीं हूँ इसलिए मेरे पास लोकनाथ बाबा का कोई फोटोज़ नहीं है, तो मैं और क्या कर सकते, मैं अभी केरला में हूँ और ऐसे ही शिव का माना जाता है ना, तो शिव तो मेरे पास है, तो मैं मन में बोल दिया. क्या कर सकते हैं आप, फोटोज़ ही नहीं है. मैं भोग में बनाया पुलाव, ये 5 तरह का फ्राई बनाया भेज का, और मिठाई में है अमृती और लड्डू, फ्रूट्स में मैंगो एप्पल, और इधर प्रसाद दिया हूँ मिश्री. यही सब बनाया सुबह से. पूजा ख़त्म होने के बाद हम दोनों लंच कर लिया. भोग लगाया था ना, हम लोग वही भोग खाया और बहुत टेस्टी बना था. और अभी 12:30 हो गया, हमारा लंच कंप्लीट हो गया. अभी मैं सोने जाऊंगी और शाम को आपसे मिलते हैं, एक इंटरेस्टिंग दिखाऊंगी आपको कुछ. तो गुड इवनिंग, अभी शाम हो गया और मैंने ना शाम को नींद से उठने के बाद मेरे पास 2 ग्लास का बॉटल था ऐसा, तो लाइटिंग भी था, तो मैं डेकोरेट कर दिया लाइटिंग बोतल के अंदर और मैंने लगा दिया, किचन में सेट कर दिया और बहुत सुंदर दिख रहा है ये. डेकोरेट करने के बाद ये इतना सुंदर लगा ना लाइटिंग, मेरा मन इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ. शाम को उठने के बाद मुझे आज बहुत बोर लग रहा था, तो मैंने सोचा कुछ डेकोरेट किया जाता है, और मेरा मन तो एकदम खुशी हो गया ये सब देख के. और लाइट ऑफ करके इतना ब्यूटीफुल हुआ ना, बहुत सुंदर दिख रहा है ये. अपने आप तो मन खुश हो गया देख के, बोरिंग लग रहा था थोड़ा, क्योंकि अब मन बहुत खुश हो रहा है. और मेरे पास मनी प्लांट था तो मैंने इसका ऊपर डेकोरेट कर दिया. कैसा लगा आप सब मुझे बोलना. मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. अभी मैं बनाऊंगी मैंगो मिल्क शेक. मिल्क ऐड करने के बाद मैंने मैंगो ऐड किया था, अभी मैं 2 स्पून चीनी ऐड करूंगी मैंगो शेक बनाने के लिए. और ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूंगी. शेक रेडी हो गया. अभी शाम का टाइम है, शेक पीने से, मैंगो शेक पीने से बहुत मज़ा आता है और ठंडा ठंडा है ये. अगले दिन मैं दूध बॉईल करके, मिल्क बॉईल करके फ्रिज में रखा था और आज पूरा ठंडा हो गया. खोल लेती हूँ मैं, नहीं तो ज़्यादा नहीं हो रहा.
ऑलरेडी खाना भी हो गया, मैंगलोर से खा भी लिया। डिनर के लिए तो आज कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, थोड़ा रेस्ट है आज मेरा, क्योंकि दोपहर में जो सब बनाया था वही सब है डिनर में, पुलाव खिचड़ी और जो वेजीज में फ्राई बनाया था वही सब है, तो डिनर में वही खा लूंगी और आज कुछ नहीं करना पड़ेगा, रेस्ट ही रेस्ट है मेरा आज शाम को। और अभी मैं मेरा ब्लॉग यहीं पे खत्म कर रही हूँ, तो मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो जरूर करना। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।